नटराज जन कल्याण समिति जो रमेश पाल और उनकी टीम की है उसके माध्यम से इस दिवाली कला इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ रमेश पाल जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस कार्यक्रम की रूपरेखा और कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। रमेश पाल जी, इस कार्यक्रम आज जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं कि किस उपलक्ष्य में करा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड की ये बुंदेली दिवाली जो लोग लेते हैं ये धरोहर के रूप में उसको संस्कृति और पर्यटन विभाग ने स्थापित किया है। और ये करीब जब भगवान राम वापस विजय लंका के बाद अवध आए, वैसे भी राम ने की जो दिव्य स्थापना का प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है पूरे देश में उसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये हम लोग परंपरागत इस दिवाली नृत्य को करते हैं जिसमें पूरे समूचे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के जिले हैं 14, उन 14 जिलों से जो अच्छी टीमें हैं उन टीमों को हम लोग बुला करके प्रतियोगिता के रूप में कार्यक्रम करवाते हैं और जो दक्ष टीमें होती हैं उनको विभाग के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले कई वर्षों से दिवाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा चुके हैं, देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करा चुके हैं, तो कैसा लगता है कि अपने बुंदेली संस्कृति को एक विश्व के परिदृश्य पर स्थापित करने का? जी, बहुत अच्छी बात है सर। हमें गौरव है अपने बुंदेलखंड पर कि बुंदेलखंड की जो बहुत उसमें कोई विधा को कोई पहचान नहीं थी, कोई जान नहीं थी, कोई जानता नहीं था। दीपावली में खेलने के बाद ये बिल्कुल एकदम कोई जानता नहीं था, लेकिन इसको एक ऐसा हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन और हमारे समाज के लोगों ने इसका उत्थान किया। हम खुद एक दिवाली लोक कलाकार के रूप में इसको निरंतर अखाड़े के माध्यम से संस्थान के माध्यम से नटराज जन कल्याण समिति के बैनर तले हम काम करते हैं। तमाम बुंदेलखंड के बच्चों को अपने गांव को वो प्रशिक्षण देते हैं और बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में हमारी टीम आती है और टीम बना करके इसका हमारा मतलब है कि एक इतना बड़ा उत्सव दिवाली महोत्सव मेला के नाम से हम लोग करवाने लगे हैं कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जनपदों से भी टीमें आई हैं। आप देखेंगे झांसी की टीम भी बुलाई है, एक ओरछा से भी आई है। और इसी तरीके से हमारा मन है कि जो बुंदेलखंडी को ये प्रोत्साहन और उत्साह मिल रहा है इससे निश्चित रूप पर ये हमारी जो संस्कृति है ये जिंदा रहेगी, मन में नहीं देंगे ऐसा हमारा संकल्प है। अभी तक आप किन किन देशों में प्रोग्राम आयोजित कर चुके हैं, अपना प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी दिवाली कला का? भारत के कोने कोने में 28 राज्यों में मेरा दिवाली का प्रदर्शन हो चुका है। और सर्वप्रथम हम लोग जो है 2005 में मॉरीशस गए थे। मॉरीशस पहली थी विधि बांग्लादेश पंडित जी के साथ हम लोग गए थे। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है बुंदेली दिवाली भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से संस्कृति के माध्यम से हम इसको विदेशों में भी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति हमारे यहाँ दो दशक पहले से उजागर हो गई है। और देखेंगे आप गांव-गांव नई नई टीमें बन रही है, बच्चे हमसे कंपटीशन करते हैं, कहते रमेश पाल जी जिस तरह से करते हैं आज उनका नाम हो रहा है, इस तरह से हम कम से कम हो। हम सोचते नहीं, इस दुनिया में एक से कलाकार है, कलाकार का कोई वो नहीं होता कि कितना महान है, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, कला तो ठीक है अपनी जगह पे है, बुंदेली कला को आप विश्वविख्यात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अर्थ का युग है, अर्थ के युग में आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो पाता है कि नहीं हो पाता? जी, बहुत बड़ा सवाल है आपका, बहुत अच्छा लगा। इस विभाग में जितना हो सकता है तो संस्कृति विभाग देता है, लेकिन साथ साथ मेरा मानना ये है कि विभाग के साथ जुड़ करके जो उत्सव होते हैं हमारे जो पारंपरिक त्योहार बीज बने शादियाँ बनी हो और जो कार्यक्रम होते हैं उन उत्सवों से जोड़ करके हम कार्यक्रम करते हैं, उससे अर्थ भी मिलता है और हम लोगों को संबल प्रदान होता है। तो अब आगे की क्या योजना है इसमें, जैसे कितने बच्चों को अभी तक आप शामिल कर चुके हैं, कितने कलाकारों को आपने समाहित किया हुआ है इसके माध्यम से? उत्तर प्रदेश में लगभग मैं 5,000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ, सफाई महोत्सव से लगा करके अयोध्या में भी हुआ, मैनपुरी में हुआ।
तो इस तरह से अब मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं लगभग 1000 बच्चे बांदा के प्रशिक्षित हो चुके हैं जो लगातार टीम बना करके आगे जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि जहाँ तक जो मुकाम हमको मिला है हमसे ऊंचा मिले। और मैं कल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता रहता हूँ कि कलाकारों को जिस तरह से जो मानदेय मिलना चाहिए अभी वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं है। लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरागत सभ्यता और उसको हम अपने तीज त्योहार को लोक कला को बचाए रखने के लिए हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। डिस्काउंटेड जो है रूप में आप इस कला को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका खर्च पानी जरूर चल रहा होगा, लेकिन हमारी भी सरकार से ये मांग है कि पर्यटन विभाग से भी मांग है कि इतने व्यापक स्तर पर जिस कला का प्रदर्शन हो रहा है, एक लुप्त प्राय जो कला हो चुकी थी बुंदेलखंड की संस्कृति थी, इस कला को आगे बढ़ाने का काम जो हमारे भाई दिनेश रमेश पाल जी कर रहे हैं ये निसंदेह प्रशंसनीय है। और आगे इस कला को अगर सरकार द्वारा और बल मिलता है, हमारे कलाकार जितने भी हैं, रमेश पाल जी द्वारा जितने भी समाहित किए गए 5000 बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षित किया है दीवारी कला में, तो हमारी भी ये मांग है बुंदेलखंड न्यूज के माध्यम से सरकार से ये मांग है कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनको उतना तो कम से कम आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि अपना ये जीवन यापन कर सके और बुंदेलखंड की इस प्राचीन कला को विश्व विख्यात बनाया जा सके। धन्यवाद।